हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है लीला ऑर्गेनिक सोप मेकिंग टिप्स में। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सोप मेकिंग टिप्स, जहाँ पे आप घर बैठे एक ऑर्गेनिक सोप बना सकते हैं, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक सोप। जैसे हम लोग जो है ये मैंने ले लिया है, ये जो है रोज पेटल्स है, गुलाब की जो पंखड़ी है, ऐसे आप कोई भी जो है फुल है इसकी, आप जो है पंखड़ी लेके उससे आप सोप घर बैठे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए रोज सोप बेस बनाने के लिए आपको लेना है गुलाब की इस तरीके की पंखड़ियाँ लेनी है, आपको लेना है ये इस तरीके का ट्रांसपेरेंट सोप बेस लेना है, इसको बोलते हैं सोप बेस। ये सोप बेस की जो है चिप्स से बिल्कुल ही ड्राई फॉर्म में आता है, बिल्कुल ही हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करके आप ये चीज़ मंगा सकते हो। इसके बाद में हमको एक डबल साइड बनाना है, इसके लिए हमने ले लिया है ये गोट मिल्क चिप्स ले लिए हमने। तो इसके बाद में हमने ले लिया है ये एक फ्रेग्रेंसेस जो कि केसर फ्रेग्रेंस ले लिया है। आप रोज फ्रेग्रेंस ले सकते हो या तो फिर कोई अलग फ्रेग्रेंसेस आप यूज कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं रोज सोप मेकिंग। सबसे पहले हम जो है ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस जो है हम ये किटली में डाल रहे हैं। हमें जो है ये जो किटली में मैं आपको डाल रहा हूं, आप घर बैठे, आपके पास में ऐसी कोई किटली नहीं है तो आप घर बैठे आप जो है एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन हो उसके अंदर आप डाल के उसको आप गैस के ऊपर जो है रख के आप उसे मेल्ट कर सकते हो। याद रखें इसके अंदर बिल्कुल ही आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, ना ही दूध डालना है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ सोप बेस ही डालना है। और इसको हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसको लिक्विड होने देंगे, बिल्कुल ही आप गैस पे भी रखते हो तो एक या दो मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। या तो आप इंडक्शन में भी कर सकते हो, इंडक्शन के अंदर ग्लास का बाउल्स के अंदर आप डाल के उसको मेल्ट कर सकते हो। और एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि ये डबल बॉयलर से ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है डबल बॉयलर से ही करें, ये बिल्कुल ही आसानी से जो है ये मेल्ट हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा। इसके अंदर पानी वगैरह कोई भी ऐसी चीजें नहीं डालनी है, पानी दूध वगैरह कोई भी ऐसी चीज नहीं डालनी है, ना ही आपको ऑयल वगैरह डालना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करते हैं कि हमने ऑयल डाल दिया, हमने जो है ग्रिसलिन डाल दिया, हमने विटामिन ई की कैप्सूल डाल दी। विटामिन ई की कैप्सूल डालनी है तो मात्र एक कैप्सूल डालनी है हाफ के जी के अंदर, 1 kg है तो 2 कैप्सूल डालनी है, एक मात्रा के अंदर डालनी है। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा करके मेल्टिंग प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। ये हमारी कमर्शियल स्पेस है, यहाँ पे गैस अलाउड नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको जो है ये किटली के अंदर सारी चीजें बता रहा हूँ। अदरवाइज आप घर बैठे गैस के ऊपर बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। जो इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का ब्यूटीफुल जो है सोप मेकिंग आप कर सकते हो, जहां पे आपको ड्राई पेटल्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करते हैं कि हमें ड्राई पेटल्स चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ड्राई पेटल्स ना लेते हुए आप इस तरीके का फ्रेश फुल ले लीजिए। फ्रेश जो है आप इस तरीके का, और इसकी पंखड़ियां जो है आप निकाल लीजिए, इस तरीके की पंखड़ियां जो है आप इसको बिल्कुल ही आप निकाल लीजिए। ऐसे ही आप मोगरा के लिए कर सकते हो, मोगरा भी बहुत अच्छी तरीके से मोगरा बनता है और बहुत अच्छी तरीके से आप जो है उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, ये लिक्विड जो है धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले मैं ये जो लिक्विड है ये मैं देखिए एक लेवल तक इसको हम बिछा देंगे, ठीक है। ये एक लेवल तक मैंने 1 mm के लेवल तक मैंने उसको जो है अंदर डाल चुका हूं, ठीक है। ये 1 mm डालने के बाद में हम इसके अंदर ये पंखड़ियां जो है अंदर सजाएंगे इस तरीके से। आप एक चीज याद रखिए, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा सुकुड़ के थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन हो जाएगा और अंदर ही जो है उसको ड्राई कर देगा। ये हम इस तरीके से उसको सजा दे रहे हैं। ऐसे ही कोई भी रोज जो है आप इस प्रकार के रोजेस को आप जो है ये कर सकते हो।
इससे होगा क्या, बहुत अच्छी तरीके से आपका सोप बन के रेडी हो जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, यूज करने में भी अच्छा लगेगा। और जब आप यूज करोगे यू विल फील लाइक दैट कि आपने कोई ऑर्गेनिक नेचुरल चीज आपने बनाई है और आपको फीलिंग्स भी काफी अच्छी आएगी। ये मैंने स्क्वायर इसके लिए लिया है मोल्ड, ताकि इसमें रोज पेटल्स की डिजाइन जो है बहुत अच्छी तरीके से खिल के उभर के आती है और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ ले रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा रोजेस पसंद है तो मैं ज़्यादा रोज़ लेके उसको मैं एक शेप एंड आकार देने की कोशिश करूँगा। हालांकि अंदर जाके ये सूख जाने वाला है ताबड़तोप, इमिजिएटली हम इसके ऊपर और एक हीट डालेंगे जो कि गोट मिल्क का हीट होगा। ये वो अंदर जाके थोड़ा सा जो है हीट जो है सूख जाने वाला है। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अंदर डाल दिया है मैंने ये चीज, ठीक है। बिल्कुल ही अच्छी तरीके से नीचे ये रोज पेटल्स जो है ये बैठ चुका है, नेचुरल रोज है, आप देख सकते हो इस तरीके का ये नेचुरल रोज मैंने यहां पे लगा दिया है। बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसमें आपको रोज जो है इस प्रकार के रोज आप सोप कर बैठे बना सकते हैं। अब आपने एक चीज गौर की होगी, मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है कोई भी जो है फ्रेग्रेंसीज ऑयल नहीं डाले थे। आपको डालना है तो आप अंदर डाल सकते हो, मतलब आप नीचे लेने के बाद डालिए, गरम गरम होगा तब मत डालिए। ये प्रकार के फ्रेग्रेंसीज ऑयल्स हैं जो बिल्कुल ही मार्केट में भी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, बट ये चीज याद रखिए मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट जो है एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेग्रेंसीज ऑयल मिलते हैं, जिसको डीपी मार के वो लोग डुप्लीकेशंस करते हैं तो खुशबू नहीं आती है। बिल्कुल ही अच्छी खुशबू वाले आप जो है फ्रेग्रेंसीज आप चॉइस करिए, ताकि आपके सोप्स अच्छे बने। अब मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा में ये लिया हुआ है और सब में जो है ड्रॉप्स, दो दो ड्रॉप्स जो है इनफ हो जाता है, दो दो ड्रॉप्स, ठीक है। अब ये जो है कुछ समय के बाद ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल ही कुछ समय के बाद सेट हो जाएगा। उससे पहले हम जो है और एक प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए अब इसको और एक प्रोसेस के लिए हम इसको गोट मिल्क डालेंगे। ठीक है, एसेंशियल और फ्रेग्रेंसीज ऑयल डिफरेंसेस होता है, और जब भी आप सोप वगैरह बनाते हो कॉस्टिंग ज्यादा ना आवे इसके लिए आप फ्रेग्रेंसीज ऑयल का यूज करिए। फ्रेग्रेंसीज ऑयल भी उतना ही इफेक्टिव है जितना एसेंशियल ऑयल होते हैं। एसेंशियल ऑयल लगभग 5,000-6,000 रुपए किलो मिलते हैं, जबकि ये वाले जो फ्रेग्रेंसीज ऑयल है वो 500 रुपीज केजी से लेके 1,500-2,000 रुपए केजी के रेंज में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। जितनी छोटी क्वांटिटी लोगे उतना महंगा पड़ेगा, बड़ी क्वांटिटी में लेते हो 1 केजी के पैक में तो आपको सस्ता पड़ता है। हमारी वेबसाइट पे भी आप जो है चेक कर सकते हो www.leelaherbal.com पे, या मोबाइल एप्लीकेशन पे लीला ऑर्गेनिक हर्बल आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे भी आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। सोप मेकिंग के सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको सारे इस तरीके के जो है सारे सोप जो है मिल जाएंगे, इवन द फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगे, आपको कलर्स भी जो है हमारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए गोट मिल्क के मैंने थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना शुरू कर चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत सोप बनता है और उसकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आती है। तो आप जरूर से अपने घर के लिए आप एक बार जरूर से ट्राई करिए ये वाला सोप्स, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएगी। मोगरा ट्राई कर सकते हो, चमेली ट्राई कर सकते हो, या कोई भी रोज जो है आप उससे बनाइए जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो। मोगरा की जबरदस्त खुशबू होती है, नेचुरल खुशबू, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। अब देखिए यहां से
आप एक चीज और कर सकते हो, थोड़ा सा समय रुकने के बाद आप अगर जो इसके ऊपर डालते हो तो एक डबल लेयरिंग वाला, ये होता है डबल लेयरिंग वाला, आपको सोप निकलेगा, ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए तब आप करते हो तो उसको एक जबरदस्त इफेक्ट आती है। जैसे कि ये देखो, ये बिल्कुल ही सूख चुका है, ये थोड़ा सा नरम है, ये बिल्कुल ही सूख चुका है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही लेयर डाला था मैंने, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सूख चुका है, ये थोड़ा सा बाकी है सूखने के लिए, हम यहाँ पे डाल देते। ये बिल्कुल भी सूखा नहीं था और थोड़ा सा गीला था, और मैंने उसके ऊपर ये गोट मिल्क वाला डाल दिया। मतलब ये गुलाब की पंखड़ी है, जैसे जैसे आप नहाना शुरू करेंगे कोई, वो गुलाब की पंखड़ियाँ बाहर निकलती जाएगी और एक ऑर्गेनिक जो है, प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से आपको जो है बाथ सोप निकलेगा ये बन के। अब इसके अंदर हम डालते हैं, ये बिल्कुल भी कंपड़ी पंखड़ी जो है वो ऊपर नहीं आने वाली है क्योंकि बिल्कुल ही नीचे बैठ चुकी है। तो जब आप खोलोगे उसको तो जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है नीचे से जो है आपको एक लेयर जो है गुलाब की पंखड़ी का दिखेगा और ऊपर वाला जो है बिल्कुल ही गोट मिल्क दिखेगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब हम जो है ये जो है थोड़ा सा सूखने देते हैं, सूखने देते हैं और उसको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है ये प्रोसेस होता है। तो जस्ट इसको सूखने के लिए 5 मिनट्स या 7 मिनट्स लगेगा इसको सूखने के लिए, क्योंकि ये छोटा लेयर है, और वेट करते हैं 5 मिनट्स के लिए और फिर कम बैक होते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम सोप बेस से सोप रेडी करते हैं। जी हाँ, सो बिल्कुल ही यहाँ पे आप 10 मिनट हो चुकी है, 10 मिनट में आप देखिए कि ये बिल्कुल ही जो है हार्ड हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है। अभी इसको हिलाना नहीं है, ना इसको उसको अलग करना है, सिलिकॉन मोल्ड है ये अलग नहीं करना है। इस प्रकार का सिलिकॉन मोल्ड हमारे पास भी मिल जाएगा, जब भी ये सोप बनाते हो तो इसको लूज नहीं करना है पैकिंग। अब मैं यहाँ से उसको थोड़ा सा आग देने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या किया है, ये जो रेड सोप था, ये जो रेड रेड वाइन सोप जो है उसका मैंने छोटा सा कट कर लिया है, रो है ये बिल्कुल ही, तो इसके साइज का कट करके मैं यहाँ पे ये जो है कट किया हुआ पोर्शन इसके ऊपर लगा देता हूँ, फिट कर देते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ही हम यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पोर्शन है दूसरे में, मैं आपको आर्ट वर्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे छोटा सा ये चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी कट करते हैं, ओके 1, 2, 3 एंड एक और कट करके यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और जो ये छोटे छोटे हैं सोप सी है जो मैं यहाँ पे उसको अंदर सजा दूंगा। अब देखिए आप आर्ट कैसे भी तरीके से कर सकते हो, ब्यूटीफुली आर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे जो सोप से, जो ये रॉ है, बिल्कुल ही रॉ है, ये मैंने रॉ को यहाँ पे मैंने सजा दिया। अगर जो आप नीचे बेस में इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस काट के अंदर लगा देते हो और जब आप गोट मिल्क उसके ऊपर रेलिंग कर देते हो तो ये बिल्कुल ही क्रिस्टल की तरह चमकता है, एक बिल्कुल ही अच्छी शाइन आती है, ये भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये सोप बेस जो है अंदर मेल्ट करने रख देता हूँ। बिल्कुल ही मेरा आर्ट वर्क यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ओके। अब आप चाहो तो उसके ऊपर थोड़ी बड़ी ये पंखड़ी आप लगा सकते हो इसके ऊपर भी, ठीक है। आप देखना ये ब्यूटीफुली जो सोप है बनके रेडी हो जाएगा। हाँ, कोई फिक्र नहीं है, हम एक रोज पेटल का भी बनाते हैं तो वो ड्राई रोज पेटल का जो है सोप बनाते हैं, हमने ये नेचुरल सोप लिया है, बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली जो है अंदर ड्राई हो जाएगा। ये सोप जो है 3 साल तक खराब नहीं होते हैं, इसमें ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो प्रिजर्वेटिव के लिए काफी है 3 साल के लिए।
तो ये मत सोचिए कि आपने आज बना लिया इस तरीके का जो सोप है वो 10 दिन में या 15 दिन में खराब हो जाएगा, ये खराब नहीं हो गए। हमारे पास में जो इंग्रेडिएंट है फुल्ली जो है इंग्रेडिएंट जो है ये है सर्टिफाइड है। अब देखिए ये जो है गोट मिल्क थोड़ा थोड़ा मैं अंदर डाल दूंगा। ओके, पहले के दो सोप जो है बिल्कुल ही जो है बन के रेडी थे, मैं चारों के चारों सोप जो है एक साथ आपको खोल के बता दूंगा। ये दूसरा जो सोप है इसको हमने 4 पिल्लर दिए थे, वो जो है सोप मैं आपको ये रेलिंग करते हुए अंदर जा रहा है। ओके ओके फाइन, ये बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 आर्ट वर्क और देना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास में छोटी छोटी गुलाब की पंखड़ियाँ जो बची हुई है वो मैं यहाँ पे ऊपर लगा लेता हूँ, ताकि ये एक रोज़ का ये बिल्कुल ही लुक आवे, नेचुरल लुक जो है रोज़ का दिख सके। ठीक है, तो ये नेचुरल सोप है रोज़ का। ये जो है ड्राई होने के बाद में थोड़े से ब्लैकिश जैसे हो जाएंगे, हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ब्लैकिश हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, बट आपको जो है खुशबू उतने ही देंगी ये, जैसे ही ड्राई हो जाता है ये खुशबू देना चालू कर देंगे। और अलग से खुशबू डालनी है तो आप जो है इसके ऊपर से जब भी गर्म हो तभी ऊपर से 1-1 ड्रॉप डाल दीजिए। ओके, और इसको जहाँ पे ड्रॉप्स डाला हो वहाँ पे आप थोड़ा सा इस प्रकार से आप इसको, कोई भी आपके पास में छोटी सी कांडी वगैरह हो उससे आप इसको हिला दीजिए इस तरीके से। बिल्कुल ही जो है फ्रेग्रेंसेस ऊपर डालने से क्या होता है कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, अंदर मिक्स कर दोगे फ्रेग्रेंस जो है स्टीम होके बाहर चली जाती है। यहाँ पे आपको फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी आएगी। अभी मैंने डाल दिया है, डालते ही बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस आना चालू हो गई है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का जो फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत यूज़फुल होता है। और ये जो है सोप बन के बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ये जो है 20 मिनट्स लेगा इसको सूखने के लिए। ये सूखने के बाद में ये किस तरीके से दिख रहा है सोप मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ वेट फॉर 5-10 मिनट्स, मैं आप फिर से कम बैक हो रहा हूँ। जी हाँ, तो अभी अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से सोप मेकिंग के प्रोसेस जो है हमने किया है। ये बिल्कुल ही अभी ड्राई हो चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने ये बनाया था, फिर ये बनाया था, ये और फिर ये बनाया था। तो ये सिलिकॉन मोल्ड है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा ये सोप। अब ये देख लीजिए, ये आपका सोप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, ये पूरी पंखड़ी जो है अंदर चली गई। फिनिशिंग देखिए आप इसकी, और ये देखिए ये सोप जो है बिल्कुल ही नेचुरल है, कलर नहीं डाला हुआ है, रोज पेटल्स जो है उससे बनाया हुआ है। तो ये वन सोप है। अब ये देखते हैं, ये जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे फिनिशिंग आई है, ट्रांसपेरेंट नीचे डाली है तो एक शाइनिंग फिनिशिंग आई है, और ये गोट मिल्क है। तो इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है अंदर। बिल्कुल ही यूज़ करने के बाद में धीरे धीरे उसके पेटल्स जो है बाहर निकलना शुरू होंगे, और ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पिलिंग्स आएगी। अब ये जो थर्ड जो है, जैसे हमने आपको बताया था, पेटल्स जो है ये अंदर पूरा कांच की तरह ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है कि ये अंदर डाला हुआ है, क्योंकि हमने उसको पूरी तरीके से सूखने दे दिया था। आपको याद होगा कि हमने उसको पूरी तरीके से सूखने दिया और उसके बाद में हमने एक नया लेयर किया, तो ये बिल्कुल ही अंदर एयर टाइट होकर आप देखिए पूरा पेटल्स अंदर दिख रहा है नेचुरल तरीके से, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये अंदर से ही। अब ये फाइनली ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ भी आप देख लीजिए, बिल्कुल ही ग्लास की तरह पेटल्स बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। ये थोड़ा सा बाहर आ गया है, जो मैं इसको फिनिशिंग देने के लिए इसको कट कर दूंगा। जी हाँ, ये देखिए इसका बैक ऑफ द पोर्शंस, और जैसे जैसे नहाना शुरू करेंगे तो ये जो स्ट्रिप्स जो है, ये रेड पोर्शन जो है
ये बाहर ही रहेगा जब तक पूरा सोप वापरते नहीं है। तो ये ब्यूटीफुली सोप जो है, इस तरीके से आप मोगरा यूज कर सकते हो या अदर कोई भी जो है फ्लावर्स है जो आपको पसंद है, आप इस तरीके से आप सोप जो है घर बैठे बना सकते हो। ये अभी फिलहाल बिल्कुल ही रेडी टू यूज़ है, आप इस सोप को यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें यूज़ करने के लिए। अब आपको चाहिए तो मैं ये वाला जो सोप है, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ हाउ इट्स लुक लाइक दैट, ठीक है? तो जैसे यूज़ करेंगे तो किस तरीके से ये दिखेगा, ये देखिए। थोड़ा सा अंदर से ड्राई नहीं हुआ है, बट आप देखिए ये जो सोप है बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही अंदर जो है बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से रेड कलर्स जो है, जो हमने छोटे छोटे पीसीस डाले थे, बिल्कुल ही उभर के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरीके जो सोप्स जो है, छोटे छोटे जैसे पीसीस, 4 टाइप्स के पीसीस वगैरह आप फेस वॉश करने के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप इस तरीके से छोटा छोटा बना सकते हैं। ये वाले छोटे आप अपने वॉशरूम में रख दीजिए, जहाँ पे बाहर से आते हो डायरेक्टली साबुन यूज़ करते हैं तो उसमें लोगों को केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है, फेस जो है वो डार्कनेस आ जाती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिशियल्स जो है और काफ़ी फ्रेशनेस फील होगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके स्किन के लिए। तो ये था लीला ऑर्गेनिक का सोप मेकिंग टिप्स, बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो ज़रूर से आप इस टेक्निक्स को आप फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप ये वीडियो शेयर करिए, और जिसे भी आने वाले वीडियोस में इंटरेस्टेड हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोप मेकिंग टिप्स के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।